हेलो गाइस, वेलकम बैक टू राइजिंग डांसिंग फीट। जैसा कि आप सबको पता है कि आप सबने मुझसे क्वेश्चन आंसर का एक व्लॉग बनाने के लिए कहा था। देखिए, प्रीति ने पूरा एक पेज भर के लाई है क्वेश्चन आंसर का, जो आप लोगों ने मुझसे कहा था कि दीदी प्लीज हमारे क्वेश्चन का आंसर दो। तो प्रीति आज मुझसे सवाल करेगी और उनके मैं जवाब दूंगी। तो आप लोग प्लीज व्लॉग को एंड तक देखिए, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। सो आज हम अपना स्टार्ट करते हैं। सारे क्वेश्चंस मैं पूछूंगी क्योंकि मैंने नोटबुक में अपने सारे क्वेश्चंस लिखे हैं। सो चलो लेट्स स्टार्ट। तैयार है? बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। चलिए, वैसे मेरी हार्ट बीट भी तेज हो रही है क्योंकि इसने मुझे क्वेश्चन दिखाए नहीं, ना मुझे पहले बताए, और जो आज कमेंट में आए हुए थे सारे इसने नोट कर लिए मुझे बिना बताए। अब मुझे ये भी नहीं पता कि ऑन द स्पॉट उनके आंसर क्या देने, लेकिन जो भी आपके क्वेश्चन है वो मैं सच सच जवाब दूंगी उनका। तो चलो, मैं जो कहूंगी सच कहूंगी, उस सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। हाँ, गीता पे तो नहीं, अपने हाथ पे ही कसम खा के कह रही हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हम अपना व्लॉग। मोदी, सबसे पहले आप अपना फुल नेम बताओ। फुल नेम जो है वो मोनिका सेन है। अच्छा दी, आप कहाँ रहते हो? मैं अपने घर में रहती हूँ। जैसे कि मेरे एक सब्सक्राइबर हैं अनीता देवी, उन्होंने कमेंट में रिप्लाई दे रखा था मेरी जगह कि दीदी अपने घर पे रहती है। तो मैं, ये तो एक मजाक की बात थी, मैं महेंद्रगढ़ से हूँ, महेंद्रगढ़ हरियाणा से। ओके, आप क्या करते हैं दी, बताओ ये बताओ। क्या करती हूँ मतलब, क्या मतलब आपका प्रोफेशन क्या है? जॉब कर रही हूँ मैं फिलहाल, मेरा प्रोफेशन तो डांस का ही है। आई एम कोरियोग्राफर, अभी फिलहाल इतनी बड़ी कोरियोग्राफर नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे ही, हमारा स्कूल है जो वर्ल्ड टॉप 5 स्कूल में आता है, आरपीएस स्कूल महेंद्रगढ़ खातौर, मैं वहाँ पे जॉब कर रही हूँ। ओके दी, आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन है? ये तो आप लोगों ने मुझे ये अच्छा क्वेश्चन नहीं पूछा आप लोगों ने, नहीं बता, आपको पूछना ही नहीं चाहिए था। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, राइजिंग डांसिंग फीट। ओहो नहीं दी, आपका ड्रीम क्या है? बस बस दी, खोना नहीं है, बस बताना है आपको। ड्रीम बहुत ज्यादा है, सबके सपने होते हैं, ठीक है, और मैं कुछ ज्यादा सपने देखती हूँ, मेरी आदत है, पता नहीं मैं ना इतने सपने देखती हूँ, पूरे होते ना हो लेकिन सपने बहुत देखती हूँ। तो अब एक सपना हो तो बताऊँ, बस ये है कि मेरा पहला सपना तो अभी फिलहाल में जो अभी चल रहा है करंटली, वो यही है कि आप प्लीज मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर कर दीजिए। मेरे सब्सक्राइबर इतने धीरे 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 चल रहे हैं कि मुझे बहुत दुख हो रहा है रियल में। प्लीज अभी फिलहाल मेरा एक सपना पूरा कर दीजिए, मुझे जल्दी से गोल्डन प्लेयर बटन भी दिला दीजिए प्लीज दी। अब आप ये बताइए, आपने कहीं से डांस सीखा है? हाँ भाई, ये बात मैं बताना चाहूंगी आपको कि बहुत सारे कमेंट आते हैं जब भी मैं डांस वीडियो डालती हूँ, एक कमेंट जरूर ये रहता है कि दीदी आपने ये डांस कहाँ से सीखा, दीदी आपने ये डांस कहाँ से सीखा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं कहीं से डांस नहीं सीख रही हूँ, इनफैक्ट मैं सिखाती हूँ। और मुझे डांस ना, मैंने डांस की ट्रेनिंग ली है कहीं से, कोई मेरे पास डिप्लोमा नहीं है, कुछ नहीं है। मेरा डांस स्टार्टिंग से, मैं जो छोटी थी ना तभी से मैं डांस करती आ रही हूँ, और धीरे धीरे आप लोग पता ही है जब जैसे जैसे डांस करते चले जाते हैं ना, तो आपको हर एक सॉन्ग की बीट की नॉलेज हो जाती है, तो बस अपने आप ही डांस स्टेप्स आ जाते हैं। और मैं करती हूँ ना, तो मैं कभी प्रिपेयर होकर भी डांस नहीं करती, कभी मैं शूट डे का व्लॉग बनाऊंगी तब आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से अपना गाना शूट करती हूँ। सीरियसली मैंने गाना सुना भी नहीं होता है, मैं उसी टाइम सुनती हूँ और उसी टाइम ही करती हूँ। फिर भी आप इतना अच्छा करते हो दी। थैंक यू सो मच, ये आपकी तरफ से प्रीति बोल रही है। अच्छा, आप साड़ी में वीडियो कब बनाओगे दी? एक ये कमेंट आया हुआ है आपके लिए। शादी के बाद। अच्छा, तो आपकी शादी का क्या प्लानिंग है? आपकी, आप अनमैरिड हो, ये तो दिख ही रहा है आपको सबको, तो आपकी शादी का क्या प्लानिंग है आपका? शादी का ये प्लान है कि मैं सोच रही हूँ लॉकडाउन खत्म हो जाए, आप सबको भी तो शादी में बुलाना है। आप हाँ। सोचिए, देखिए लॉकडाउन में 50 आदमी बुलाने, 50 नहीं 25 25 हो गए सॉरी, और लॉकडाउन अगर हट गया तो मैं आप सबको अपनी शादी में इनवाइट कर सकती हूँ, ठीक है। इसलिए मैं आज शादी को थोड़ा, हमने हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको व्लॉग मिल जाएंगे शादी के, टेंशन ना लीजिए, रिश्ता हो जाएगा तभी व्लॉग डाल देंगे। ओके दी, फिर तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा दी, आप अपना अलग से व्लॉग चैनल बनाओगे? अभी ये कि नहीं समझ गया,
कि अभी मैं सोच रही हूँ कि सिर्फ अपने डांस चैनल पे ही फोकस करूँ, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। बाकी इसी पे भी हम व्लॉग बनाते रहेंगे, कुछ कुछ स्पेशल जो व्लॉग होंगे हम वो डालेंगे, ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर मेरे सब्सक्राइबर आपने अच्छे कर दिए तो मैं प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैं अलग से अपना व्लॉग चैनल भी बनाऊंगी, पर वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब मेरे सब्सक्राइबर आप लोग एक्टिव हो जाओ। आप लोग पता नहीं लॉकडाउन में कहाँ सो रहे हो, कहाँ लूडो खेल रहे हो। कोई नहीं दी। अच्छा दी, आपका निकनेम क्या है? निकनेम घर पे आपको सब क्या बुलाते हैं? देखो जो सवाल कर रही है ना उसको मेरा नाम पता है। मुझे तो पता है, पर फिर भी आपके फैंस की तरफ से बोल रही हूँ। घर पे सभी मुझे मोना बुलाते हैं, मोनी का नाम है, मोना बोलते हैं घर, मम्मी पापा सभी। शादी, एक बात और है, आपका सबसे अच्छा दिन मतलब खुशी का दिन आपकी लाइफ में कौन सा था? कौन सा मतलब राय? हाँ, खुशी के दिन तो काफी आए हैं लाइफ में। देखो सुख दुख तो चलते ही रहते हैं, पर लेकिन जो सबसे अच्छा मोमेंट था मेरी लाइफ का वो आप लोगों ने ही दिया है मुझे। हैप्पीएस्ट मोमेंट ये था कि अब तक मुझे मेरे किसी मतलब एक होता है कि हम जिस चीज़ में हम काम कर रहे हैं किसी भी चीज़ में, उसमें सफलता मिलना, सफलता आप लोगों ने मुझे, मेरे 1,00,000 सब्सक्राइबर किए आपकी वजह से, मुझे सिल्वर प्ले बटन मिला जिसकी वजह से मेरे घर में एक अलग ही माहौल हो गया। देखिए सभी की सोच चेंज होती है, ठीक है, सभी एक नॉर्मल फैमिली से होते हैं, तो शायद मैं भी ना हो, अगर किसी चीज़ में हमें सफलता मिलती है तो घर वालों की सोच भी बदलती है, समाज की भी बदलती है, सभी की बदलती है। तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों की वजह से वो हैप्पीएस्ट मोमेंट मेरी लाइफ में आया, सिल्वर प्ले बटन। ओके दी, दी आप अपने फैन से कितना प्यार करते हो? बहुत ज़्यादा, ये कोई पूछने की बात है? आप लोग ही बताइए, आपका कौन से कमेंट का रिप्लाई मैं नहीं देती, जितना मुझसे पॉसिबल होता है। शायद मैं भी कोई चैनल पे शायद कमेंट का रिप्लाई ना दे, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करती हूँ आप लोगों को रिप्लाई दूँ। मैं आपके सारे कमेंट लाइक भी करती हूँ और उन पे हार्ट भी देती हूँ, क्योंकि मैं पढ़ लेती हूँ कमेंट। हाँ, कुछ एक ऐसे होते हैं कमेंट कि उनका रिप्लाई नहीं दिया जाता, मैं ये सोचती हूँ कि मैं आप जैसे आज व्लॉग बना के मैं आपको दे रही हूँ ना, इस तरीके से मैं व्लॉग ही बनाऊँ और फिर मैं आपको अच्छे से उनका आंसर दूँ। अच्छा, आपकी वीडियो मतलब कब आएंगी? आप अपना एक एग्जैक्ट टाइम बताओ दी कि आपका व्लॉग मतलब। देखिए हम है ना कोशिश यही करेंगे कि हर तीसरे दिन, या तीसरे दिन तो नहीं पर वीक में हम एक व्लॉग जरूर डालेंगे, कि आप लोग के लिए कुछ हटके हो जाएगा, क्योंकि डांस वीडियोस से देखो हर तीसरे दिन डांस वीडियोस होती रहती है, तो बोर अच्छा अच्छा इंसान हो जाता, हम भी बोर हो रहे थे डांस कर करके, तो इसलिए सोचा कि थोड़ा सा टाइम दिया जाए आप लोगों को व्लॉग बना के, आपसे बातें की जाएँ। तो हम करेंगे वीकली एक व्लॉग जरूर आपके लिए लाएंगे। अच्छा दी, आपकी वीडियो कौन बनाता है? देखो प्रीति ने कितने अच्छे से पूछा है सवाल। जैसे मेरा सिल्वर प्ले बटन का व्लॉग देखा था तो उसमें मैंने आपको बताया था, फिलहाल रियल में बता रही हूँ, 2 साल मेरे चैनल को हो जाएंगे, प्रीति ने ही मेरी वीडियो शूट की है, प्रीति ही मेरी वीडियो बनाती है, और सभी कुछ अभी फिलहाल इसी की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है, वरना एक एक बंदा कुछ नहीं कर सकता। आप भी जानते हो कि एक इंसान किसी चीज़ में भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकता, उसकी कामयाबी के पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ होता है, तो मेरी कामयाबी के पीछे भी सबसे बड़ा हाथ है, जिसके हाथ में कैमरा है। हाँ, अगर वीडियो मैं नहीं बनाऊँ ना तो वीडियो ना बने, ना बने, फिर आप लोगों तक भी ना पहुँचे, इसलिए आप लोग भी मुझे थैंक्स बोल सकते हैं। कमेंट में सही बात है। आपकी वीडियो कौन एडिट करता है? एक क्वेश्चन ये भी आपके लिए। अब आपको मैं अपनी दुख भरी दास्तां सुनाना चाहती हूँ, मेरी वीडियो को एडिटिंग, आप लोग सोचते हो ना कि मेरे असिस्टेंट नहीं लग रहे हैं, ना मैं इतनी बड़ी वो हूँ, मैं अपनी वीडियो एडिटिंग भी खुद करती हूँ, उसे अपलोड भी मेरा ही है, सारा चैनल को देखना मैनेज करना सब कुछ मैं करती हूँ, पर जैसा भी हो रहा है, ज़्यादा खास तो नहीं कर रही, लेकिन जितना मुझे आ रहा है मैं उतना टाइम अपने चैनल को खुद ही दे रही हूँ। नहीं दी, बहुत अच्छा करते हो आप। थैंक यू। दी आपका बर्थडे कब आता है ये बताओ? बर्थडे जो है मेरा वो 9 जुलाई को आने वाला है, अभी आया नहीं है, ठीक है, तो आप वेट कीजिए, अभी 1 मंथ है, पूरा भरा हुआ 1 मंथ है, तो 9 जुलाई को मेरा बर्थडे आने वाला है, बर्थडे पे भी मैं अपना व्लॉग बनाऊंगी। वाओ, सो ठीक है, और आपके अब बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। कौन से आपसे एडिट करते हो? ये क्वेश्चन सबसे मेन है, इसलिए बता रही हूँ मैं आपको, मैं इनशूट ऐप मैंने डाउनलोड किया हुआ है वीडियो के लिए स्पेशल, इनशूट ऐप में मैं मेरी वीडियो एडिटिंग करके और जो इफेक्ट्स होते हैं वो मैं इनशूट ऐप में ही अपनी वीडियो एडिटिंग करती हूँ। ओके दी, सब बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, प्लीज प्लीज प्लीज
दी आप अपना मतलब चैनल के बारे में कुछ बोलेंगे, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब। यस, ये सबसे मेन है। देखिए आज मैंने आप लोगों के लिए टाइम निकाल कर आपके सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश की है। कुछ एक सवाल अभी रह गए हैं आपके, मुझे पता है, लेकिन कुछ अगर छूट भी गए हो ना, और अगर आपको मेरे कई सवालों के आंसर नहीं समझ में आए हो, तो प्लीज़ आप बेझिझक दोबारा कमेंट कीजिए, दोबारा पूछ लीजिए, मैं फिर से अपना व्लॉग बनाऊंगी और आपके सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। दीदी एक लास्ट में एक सवाल है, जो आप बोलते हो कि वीडियो नहीं डालते, कई जने काफ़ी जने मतलब कमेंट करते हैं, तो आप अपना बिजी शेड्यूल बताएंगे? आप बोल रहे थे ना कि मैं व्लॉग में बताऊंगी अपना बिजी शेड्यूल। यस, ये बात भी है। देखिए आप हमेशा कमेंट करके कई तो नाराज भी हो जाते हैं कि दीदी आपने हमारा गाना अभी तक नहीं डाला है, हमने आप कितने, तो ऐसा देखिए एक बंदा बनाने वाला है ना, और एक ही करने वाला है, तो डिमांड काफी हो जाती है। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि इतना बिजी शेड्यूल इसलिए है क्योंकि मैं जॉब कर रही हूँ, ठीक है, जॉब भी कर रही हूँ, घर पे हैं फिलहाल, आपको पता है लॉकडाउन में ऐसी कंडीशन चल रही है कोरोना के टाइम, फिर भी मैं टाइम निकाल कर जितना मुझसे पॉसिबल हो पाता है मैं उतनी वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। बट लेकिन आप निराश बिल्कुल ना होए, जितने भी आपने कमेंट किए हुए हैं गानों का मैं अच्छे से पढ़ रही हूँ, सब कुछ देख रही हूँ, जब जब मुझे टाइम मिलता जाएगा मैं आपके सभी के सॉन्ग्स अपलोड करूँगी और करने की कोशिश भी करूँगी। बट आप सब जिस तरीके से डिमांड कर देते हैं ना, तो हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, ड्रेस का भी देखना होता है, हमें टाइम भी अपने लिए निकालना होता है, तो बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है। तो आपकी ड्रेस कौन चूज़ करता है ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, ये मैं आपको मेरे अगले व्लॉग में बताऊंगी, ड्रेस का भी बताऊंगी और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। प्लीज़ प्लीज़ इस व्लॉग को बहुत सारा प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, और इतना इसमें अगर मेरा अच्छे व्यूज़ नहीं आए ना, तो अगले क्वेश्चन की व्लॉग में बनाऊंगी नहीं। प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इतना सब्सक्राइबर कर दीजिए, बेल आइकन, हाँ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने सब्सक्राइब का तो बटन दबाया हुआ है लेकिन बेल आइकन प्रेस नहीं किया हुआ है, क्योंकि मेरे व्यूज़ जिस हिसाब से जा रहे हैं मैं उस हिसाब से बता रही हूँ। सो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए आप जितना भी देख रहे हो, जितना मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, मेरे लिए वो ही बहुत है। ये तो बस थोड़ा सा आपको पता ही है, देखो हर इंसान नहीं कहता है मैन जी दोबारा हमारी दुकान पे जरूर आना, दुकान से हम कितना ही सामान लेके चले जाएं लेकिन फिर भी वो बंदा हमें दोबारा बुलाने की कोशिश करता है। तो इसी तरीके से मैं चाहती हूँ कि मैं ग्रो करूँ। सो ठीक है दी, आप कमेंट करते जाइए, करते जाइए, आप बेफिक्र होके कमेंट करते जाइए, मैं आप सबके कमेंट पढ़ूंगी। ओके, सो बाय एवरीवन। अच्छा आप कहाँ शूट करते हैं? ये भी आपको पता ही है, 1.5 साल से हम उस जंगले के सामने ही शूट कर रहे हैं। जंगला बोल रही है, वो जो विंडो है ना हमारी मतलब चौक में। सोदी आप एक ये भी बताएं, आप किस वीडियो से अपनी आप बड़े, किस बड़े, दिन आप पैदा हुए, आपकी भगवान धरती पर आप कैसे आए, किस दिन आए, सॉरी।